बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जानब से मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर में पहले से मौजूद बेसिक प्रोग्राम्स का जायज़ा लेंगे। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के जब आप कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ ही चंद प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं या आपकी विंडो के अंदर शामिल होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं प्रोग्राम्स को जो है वो देखेंगे, जिनमें आज सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर माई कंप्यूटर या सिर्फ कंप्यूटर नामी प्रोग्राम क्या रोल प्ले करता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पर इसका आइकन मौजूद होता है। ये वाला प्रोग्राम आपका इंतहाई अहम प्रोग्राम होता है। इसके अंदर आपके जो है आपकी तमाम स्टोरेज चीज़ें, आपकी हार्ड ड्राइव्स, आपकी जो है वो फ्लॉपी ड्राइव्स, आपकी जो है वो अगर आप इसमें अटैच करते हैं यूएसबी मेमोरी कार्ड, किसी भी तरह का मोबाइल साथ अटैच करते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। इस पर हमने आगे चल के डिटेल बात भी करनी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर हम जायज़ा लेंगे माई डॉक्यूमेंट्स नामी प्रोग्राम का। ये वाला प्रोग्राम जो है वो पहले इसका नाम माई डॉक्यूमेंट हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो जस्ट यूज़र के नाम से जो है वो इसको रख दिया जाता है। जो आपके कंप्यूटर का यूज़र नेम होगा, जैसे यहाँ पर प्राइम है तो प्राइम रखा जाएगा, या फिर विंडो करते वक्त जो नाम भी आप कंप्यूटर में देते हैं उस नाम से एक फोल्डर यहाँ पर बन जाता है। इस फोल्डर के अंदर भी अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी ऑटोमेटिकली कुछ फोल्डर्स पहले से मौजूद होते हैं, जिनमें हमारे पास सैम्पल पिक्चर्स, वीडियोस या म्यूज़िक या फिर गेम्स वगैरह मौजूद होती हैं। इसका भी जायज़ा हम ने जो है वो लेना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रोग्राम होता है नेटवर्किंग से मुतल्लिक। ये प्रोग्राम भी कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद होता है। इस प्रोग्राम की मदद से हम अपने कंप्यूटर की नेटवर्किंग या इंटरनेट के साथ इसकी अटैचमेंट वगैरह को चेक करते हैं या रिपेयर वगैरह जो है वो प्रीपेयर इधर से करते हैं। यहाँ पर इसका आइकन मौजूद नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर इसका आइकन होता है और कहाँ से हम इसको अपीयर करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक और अहम प्रोग्राम रिसाइकल बिन के नाम से होता है। रिसाइकल बिन आपके कंप्यूटर का स्टोर रूम होता है। अगर आप अपने किसी चीज़ को, किसी फोल्डर प्रोग्राम को डिलीट करते हैं, किसी तस्वीर वगैरह को, तो ऑटोमेटिकली वो रिसाइकल बिन यानी स्टोर रूम में पहुंच जाती है। इसको दोबारा से वहां से डिलीट करने पर ये परमानेंट आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। इस पर भी हम जाके बात करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स, पाँचवें नंबर पर हम जो है वो चेक करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर को। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ये एक ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र की मदद से आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर टास्क बार के अंदर ये प्रोग्राम आपके पास मौजूद होता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं और फिर इसकी मदद से आप गूगल या दूसरी वेबसाइट्स को भी ओपन कर सकते हैं। ये वाला प्रोग्राम भी पहले से आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है। ये जो है वो पांच प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, नोट फरमा लें कि ये पांचों प्रोग्राम आपके जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं और पहले से आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अहम कौन से हैं, तो आप इनका नाम जो है वो ले सकते हैं। इनको आप नोट्स के तौर पर लिख सकते हैं। अगली क्लासेस के अंदर हम इनको डिटेल चेक करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।